मेरा नाम सायरा सुल्तान है, मैं 37, मेरी एज है। माशाल्लाह मेरे दो बच्चे हैं, बेटी मेरी 15 साल की है और बेटा मेरा माशाल्लाह 12 साल का है। शादी के तकरीबन 8 साल बाद मेरे शोहर की डेथ हो गई थी। मैं ग्वाल मंडी में रहती हूँ, अपने घर के बाहर ही मैंने एक स्टॉल लगाया हुआ है। और सुबह मैं 8 बजे उठती हूँ, ताज़ा अपना सामान बनाती हूँ। मेरा अपने स्टॉल से ना एक कमिटमेंट बना हुआ है कि मैंने जो घर से पका के लाना है मैंने उसको सेल करके जाना है। हमारे इलाके की पहचान बन गई है। मैंने ये खाया भी है, माशाल्लाह बहुत टेस्टी है, दिल से बनाती है और सारे लोग इसका बहुत ख्याल करते हैं और इज्जत करते हैं। मैंने शोहर के वफात के बाद बहुत बहुत वक्त देखे हैं, ऐसे ऐसे देखे हैं कि अब दिल से दुआ करती हूँ कि कोई भी बहन ऐसे वक्त ना देखे जो मैंने देखे हैं। मेरी मम्मा ने बहुत मुश्किल टाइम देखे है, अल्लाह ऐसा किसी को वक्त ना दिखाए, लेकिन मेरी मम्मा ने हमारी खातिर मुश्किल टाइम देखा है। मैंने वो भी टाइम देखा है कि जब मेरी बच्ची छोटी थी तो उसने पानी और चीनी से उसको मैं वो फीड करवाती थी, पानी और चीनी। दूध नहीं होता था, इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं दूध ला कर उसको पिला सकूँ, तो पानी और चीनी मिक्स करके उसको मैं पेट भर देती थी उसका। और शुक्र है उसकी ज़ात का, उसने हमेशा साथ दिया। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह कमज़ोर नहीं हूँ और ना मैंने अपने आप को कभी कमज़ोर होने दिया है। ज़िंदगी में बड़े बड़े मुश्किलात भी आई हैं, बड़े बड़े मसले मसाइल भी आए हैं, बड़े बड़े लोगों ने बातें भी की हैं ये क्या हो रहा है। मैं कहा भाई मांग तो नहीं ना रही, अल्लाह माफ़ करे किसी का नुकसान तो नहीं कर रही ना, अपने हाथों का कमा रही हूँ ना। मैं बहुत छोटी थी जब पापा की डेथ हो गई थी, तो मम्मा ने मुझे बहुत स्ट्रगल से पाला है और बाप की तरह सख्ती से और माँ की तरह नरमी से मुझे प्यार दिया, और मैं उनका ये एहसान कभी नहीं भूलूँगी और मुझे मेरी माँ पर फ़ख्र है। छोटी मिनी पिकअप रिक्शा ली है और वो कुछ मेरे पास मेरी चीज़ें थी जेवर वगैरह, उसको सेल किया, उसको बेचा और अपने बच्चों के लिए उनकी कन्वेस बना दी आने जाने के लिए। फिर वो जो लोग सामान वगैरह कहते हैं जी हमारा उधर छोड़ रहे हैं उधर छोड़ रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है मैं तो उसमें से भी कमाती हूँ, इधर से भी कमा रही हूँ उधर से भी। और इंशाल्लाह अब स्कूल खुल जाएंगे पाकिस्तान में, बच्चों की लड़कियों की बच्चों की जिम्मेदारी लूँगी और उनको स्कूल से पिक एंड ड्रॉप करूँगी। कई लोग तो मुझे कहते हैं तुम इतनी मेहनत कर रही हो, टिक्कियाँ लगाती हो, शाम में तुम इधर उधर रिक्शा लेके चली जाती हो, क्या कोई किला खरीदना तुमने। मैं आप कदर करती हूँ पैसे, पैसे की कदर करती हूँ। जब मेरे पास थे जब मैंने कदर नहीं की, अब मैं माशाल्लाह करती हूँ। अब तो माशाल्लाह मैं ऐसे हूँ कि अगर मेरे पास 1 रुपया है ना तो मैं कल के लिए 8 आने साइड पे कर देती हूँ। ये सब कुछ मैं अपने बच्चों की अच्छी तालीम के लिए, अच्छी तरबियत के लिए इतनी मेहनत और इतनी स्ट्रगल कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ इस मुआशरे में ना वो मेहनत करें, क्योंकि मांगना अच्छी बात नहीं है, मेहनत करना अच्छी बात है। और मेरे बच्चे इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है इस मुआशरे में एक इज्जतदार शहरी बनेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं भी बड़ा एक इंजीनियर बनूंगा ताकि मैं उन्हें घर बैठा के खिलाऊँ, उनकी ये ख्वाहिश भी पूरी करूँगा, उनकी ख्वाहिश है उन्होंने हज पे जाना। मैं माँ भी हूँ, मैं बाप भी हूँ और मैं मुहाफिज हूँ अपने घर की और अपने बच्चों की और इस घर की इज्जत भी हूँ। मुझे ये सब कुछ देखना पड़ता है और लेके चलना है अपने साथ।